हेलो फ्रेंड्स, मैं बोको स्वागत करता हूँ टेक खबर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, थंबनेल से समझ में आ चुका होगा, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एडसेंस के ऐड के साथ हम क्या पॉप ऐड के नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं या नहीं। देखो, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले, आई थिंक जो भी टाइम रहा हो मुझे याद नहीं है। उस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि बेस्ट 5 पॉप ऐड नेटवर्क, जिसमें से मैंने कुछ दो ऐड नेटवर्क का, एक का तो नाम याद आ रहा है एड मोवेन, जिसमें मैंने बोला था कि आप इसके ऐड के साथ एडसेंस का ऐड इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और ऐसा उन्होंने अपने साइट पे लिख रखा था। जब तक मैंने इस पर थोड़ा सर्च किया कि भाई सही एग्जैक्टली क्या, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत कम लोग हैं ऐसे जो यूज़ करते हैं। अभी हम बात करेंगे आगे, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा, बट मैं शॉर्ट में इस पर कवर करना चाहूँगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, रेड करके बटन इधर इधर होगा, ठीक है, और घंटे को भी दबा देना, उसी के बगल में है, अगर नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाली आपको। तो एक्चुअली हुआ क्या मेरे साथ, मैंने ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने बहुत सी पॉपुलर साइट है वहाँ पर मैंने देखा कि यार ये लोग तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बट ये एड मोवेन या ऐसे कंपनियाँ क्यों ऐसा लिख रखा है कि आप एडसेंस के ऐड के साथ हमारे ऐड को यूज़ कर सकते हो बेसिकली। अब मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा जो कि एडसेंस का ऑफिशियल पॉप ऐड नेटवर्क के बारे में बताया गया है कि आप क्यों हम उसे परमिट नहीं देते, मतलब उसे परमिशन नहीं देते हैं अपने साथ यूज़ करने का। तो उसका रीज़न मैं देखो शॉर्ट में बताता हूँ। एक्चुअली ये काम जो एडसेंस करता है वो किस बेस पे करता है, माने कि बेस का मतलब यहाँ पे CPC CPM नहीं हो रहा है, किस तरह से इसमें पब्लिशर है और एडवर्टाइज़र है, तो ये जो है इसमें लॉस होता है एडवर्टाइज़र लोग का, एंड देन पब्लिशर को भी इसमें प्रॉब्लम होती है। पब्लिशर तो चाहेगा कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, मतलब पैसा मैं कमा सकूँ, लेकिन इसमें एडवर्टाइज़र का लॉस होता है। इसमें ऐसा क्या होता है, देखो पॉप एड में ये बहुत ही एनुनाइंग, मतलब बहुत ही घटिया तरीके, मतलब ये टाइम वेस्ट करने वाला होता है। एक बार क्लिक किया, साथ में जो है 5-6 विंडो खुल गए, तो ये बहुत ही एनुनाइंग होता है, इसको बोलते हैं बहुत ही बेकार सा ऐड, घटिया ऐड, तो इस वजह से ही करता है। और पॉप ऐड जो होते हैं उसमें बहुत सारे इलीगल्स जो ऐड होते हैं, जैसे कि अब आप समझ सकते हो कहीं से क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। और देन जो पॉप ऐड का नेटवर्क होता है, पॉप ऐड जो होता है वो एडसेंस के पॉलिसी को वायलेट करता है। कभी भी एडसेंस और पॉप ऐड को आप अगर एक साथ यूज़ करते हो, तो एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि आपको डायरेक्टली आपका एडसेंस अकाउंट डीएक्टिवेट या सस्पेंड नहीं होता है। आपको फर्स्ट टाइम पहले एक नोटिफिकेशन आएगी, मतलब वार्निंग आएगी कि आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना होता है। लोग लगाते कैसे हैं कि चलाकी देखो लगाते कैसे हैं लोग पॉप ऐड, जैसे मैं बताऊं वहाँ पे लाइक जो एक ईमेल सब्सक्राइब वाला एक ऑप्शन होता है फीड बर्नर के थ्रू या किसी भी अदर थर्ड पार्टी के थ्रू लगाया जाता है, जिससे आप कोई भी पोस्ट लिखते हो, जैसे पब्लिश करते हो, आपके विजिटर ने जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उसको तुरंत उसके पास नोटिफिकेशन जाता है। जैसे ही आप वहाँ पे ईमेल फिल करके सब्सक्राइब हियर के लिए क्लिक करोगे, तुरंत एक पॉप ऐड होता है। तो इस तरीके से लोग चालाकी से लगाते हैं, जिससे एडसेंस को समझते हैं कि पता नहीं चल पाएगा, बट यार ऐसा कुछ नहीं है। एडसेंस हर एक साइट को मैनुअली बोल सकते हो या किसी भी तरीके से वो एनालाइज करता रहता है कि कौन से साइट पे लगा हुआ है, और कुछ दिन तक तो वो इग्नोर करता है, डायरेक्टली आपको कुछ नहीं बोलेगा, कुछ दिन तक इग्नोर करेगा, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम वो आपको वार्निंग देता है, एंड थर्ड टाइम वो आपको थर्ड डिग्री देता है। मतलब थर्ड डिग्री का मतलब समझ सकते हो सीधा अकाउंट सस्पेंड। अब इसी में कुछ टाइम हो जाता है कि किसी का परमानेंटली सस्पेंड होता है, किसी का मंथली। उसे मैंने जो वेबसाइट वाला देखा वो तो हमेशा के लिए सस्पेंड होता है, क्योंकि इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया है और हमारे साथ भी कई बार ऐसा हो चुका है। और एक्चुअली मेरा वीडियो बनाने का पर्पज क्या था, बस ये बताना था कि आपको साथ में यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और नीचे मैंने एडसेंस के ऑफिशियल ब्लॉग का लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, पढ़ लेना। और उसमें भी साफ साफ मना कर दिया गया कि ये हमारे पॉप ऐड नेटवर्क जो होते हैं ये हमारे पॉलिसी को वायलेट करते हैं, हमारे पॉलिसी को फॉलो नहीं करते, बस इसी कारण से हम इसे शो नहीं करा सकते। और बहुत सारे ऐसे भी ऐड नेटवर्क हैं जो कि एडसेंस के साथ आप उसका एडसेंस के साथ ऐड डिस्प्ले करा सकते हो, लाइक media.net, चीतका। उसे चीतका तो कंपनी उतनी अच्छी रही नहीं है, बट media.net हो गया, इन्फोलिंक, लाइक इन्फोलिंक भी आप साथ में यूज़ कर सकते हो। इस पर भी वीडियो आएंगे, बट ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें जो बिगनर होंगे वो लोग, मान लो किसी को अप्रूवल मिल भी जाता है भाई, लाइक होता है ना कभी कभी किसी को बिना कुछ मेहनत किए भी मिल जाता है, और किसी किसी को मेहनत करते रहो तो भी नहीं मिलता है, जैसे मैं, ठीक है। और उसके बाद, और वो जो होता है ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में पहले तो अपने आप विजिट करते हैं, तो उससे भी उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है।
एंड देन उस पर पॉप एड भी लगा लेते, जिससे वो सोचेंगे यार मेरी इनकम जो होगी बढ़ जाएगी। तो ऐसा मत करो भाई, जो भी है चाहे बिगनर हो, क्योंकि बिगनर ही वीडियो देखेगा, कोई जो प्रोफेशनल हो चुका होगा वो वीडियो को नहीं देखने वाला है। तो आपसे यही करूँगा कि आप पॉप एड को साथ में यूज़ मत करिए एडसेंस के साथ, आपका एडसेंस जो है डेंजर जोन में जा सकता है इसके वजह से। और कुछ नहीं थी आज के वीडियो में, बस इतना ही। फिर मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।